अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको कतर की बहुत ही बड़ी अहम जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि भाइयों बहुत सारे लोग अभी जो हैं कतर में काम करने के लिए जाते हैं, उनका मन में ये सवाल रहता है और बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके पूछते भी, भाई मुझे बताइए कि कतर में फ्री फ्लाइट वहाँ से कब मिलती है, यानी जब हम लोग काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जब वापस लौटते समय बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उन लोगों को कंपनी के द्वारा फ्री में टिकट दिया जाता है, यानी फ्री में फ्लाइट दी जाती है ताकि वो लोग अपने घर जा सकें। तो वो फ्री फ्लाइट कब मिलती है, कैसे मिलती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सारे डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो किसी के द्वारा भी, कंसल्टेंसी के द्वारा करते हो या फिर डायरेक्ट आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है। तो उस ऑफर लेटर में सारी डिटेल दी जाती है कि आपकी क्या सैलरी होगी, आपको कहाँ पर रखा जाएगा, कौन सी कंपनी में होगी, कितने दिन आपको काम करना है, क्या नहीं है, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ, सारा एग्रीमेंट में हर कुछ लिखा हुआ रहता है। तो जो भी आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो ये एग्रीमेंट को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, यदि आप मान के चलिए कि एक साल के लिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए गए हो, यानी एक साल का एग्रीमेंट हुआ है ऑफर लेटर, सॉरी एक या दो साल का मान के चलिए कि दो साल का एग्रीमेंट पे दोस्तों आप काम करने किसी कंपनी के द्वारा वहां पर बुलाए गए हो और वहां पर काम कर रहे हो। तो यदि आप दो साल काम पूरा कंप्लीट कर लेते हो, दो साल तक वहाँ पे रहते हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो दो साल कंप्लीट होने के बाद आपको कंपनी के द्वारा ही फ्लाइट की टिकट दी जाती है, आपका एक रुपये भी पैसा नहीं लगता है। जी हाँ साथियों, यदि चाहे आप कोई भी कंपनी में जाते हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मेन कंपनी हो या बड़ी कंपनी, जो भी कंपनियाँ, आपको पूरा पैसा जो है फ्लाइट का वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, आपका एक रुपये भी पैकेट से नहीं लगता है। वहीं पे यदि आप दो साल के लिए वहाँ पे काम करने के लिए गए हो, यदि मान के चलिए कि आपको किसी तरह का काम पड़ गया हो अपने घर में, या फिर कुछ शादी वगैरह है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन वगैरह है, कुछ भी कोई घटना हो गया आपके घर में, तो मान के चलिए कि आप डेढ़ साल या फिर 18 महीना या फिर मान के चलिए कि 20 महीना, मतलब मान के चलिए कि दो साल आपने कंप्लीट नहीं किया है, और यदि आप अपने मुल्क जाना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, तो फिर आपको कंपनी के द्वारा एक रुपए भी टिकट की आपको नहीं दी जाएगी, वो सारा पैसा दोस्तों आपको फ्लाइट का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में वही लिखा हुआ रहता है। तो एग्रीमेंट के आधार पर ही दोस्तों आप लोग को वहाँ पर काम वगैरह, एग्रीमेंट के आधार पर दोस्तों फ्लाइट की टिकट दी जाती है। तो दोस्तों तक जो लोगों का आपको मन में सवाल था, जहां तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। वहीं पे दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो तो आपका जितने साल का एग्रीमेंट होता है, तो उतने आपका हर साल दोस्तों क्या होता है कि सिविल आईडी रिन्यूअल किया जाता है, कतर सिविल आईडी। तो कतर सिविल आईडी दोस्तों जो होता है वो एक साल का ही होता है। तो यदि मान के चलिए कि आप दो साल के एग्रीमेंट के लिए गए हो, तो कंपनी के द्वारा आपका सिविल आईडी को रिन्यूअल किया जाएगा, एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से कंपनी के द्वारा रिन्यूअल कर दिया जाएगा। फिर दो, यदि आपका तीन साल का एग्रीमेंट पर गए हो, तो दूसरे साल फिर से आपको रिन्यूअल किया जाएगा, यानी हर साल आपके वहाँ पे सिविल आईडी को रिन्यूअल किया जाता है। यानी पाँच साल के लिए आप गए हो तो पाँचों साल आपका किया जाएगा, दो साल के लिए गए तो दो साल का किया जाएगा, तीन साल के लिए गए तो तीन साल का किया जाएगा। मैं यानी मान के चलिए कि हर साल आपका सिविल आईडी को वहाँ पे रिन्यूअल किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे नियम होते हैं कतर सिविल आईडी को लेकर और वहाँ कतर की फ्री फ्लाइट को लेकर। तो जिन लोगों को ये दो सवाल आपके मन में हमेशा आता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका मतलब जो सवाल का जवाब मिल गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कोई भी और मन में आपका सवाल हो तो मुझे पूछिएगा, मैं आप लोगों को सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद एंड टेक केयर।